हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनटेक गुमला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज भी हम लोग बात करने वाले हैं CITS एडमिशन और उसका सेकेंड राउंड ट्रांसफ़र राउंड के बारे में। तो जैसे कि अभी एडमिशन CITS में चल रहा है तो उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, तो जिसका फर्स्ट राउंड का काउंसिलिंग हो गया है और वे अगर अपना ट्रांसफ़र कहीं दूसरे कॉलेज में कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक नया नोटिस जारी किया गया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये एक नोटिस जारी किया हुआ है। तो पहले जो CITS का जो साइट में जो डेट दिया हुआ था वो था मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था, उसके बाद में उसका फर्स्ट फेज काउंसिलिंग 12/8/2022 से 20/8/2022 का दिया हुआ था। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट काउंसिलिंग का ये हुआ आपका 22/8/2022 से 25/8/2022 के बीच में। तो अभी क्या करना है कि जो फर्स्ट राउंड में जो काउंसिलिंग भाग लिए थे और जिनका अलॉटमेंट नहीं हो पाया है फर्स्ट राउंड में, वे अपना कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका जो डेट आपको दिया हुआ है कॉलेज ट्रांसफ़र का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉलेज ट्रांसफ़र का डेट दिया हुआ है, कॉलेज ट्रांसफ़र का डेट वो 27/8/2022 से 28/8/2022 के बीच में आप अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उसके बाद में एक कॉलेज ट्रांसफ़र का जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ये पांचवा नंबर में, ये किया जाएगा 29 तारीख को। उसके बाद में आप सेकेंड फेज काउंसिलिंग का एडमिशन होगा 29/8/2022 से 31/8/2022 के बीच में। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका नियरेस्ट NSTI में 1/9/2022 से 3/9/2022 के बीच में। उसके बाद में जो वर्क इन एडमिशन है जो कि छठा नंबर में देख रहे हैं, यह होगा आपको 5/9/2022 से 6/9/2022 के बीच में। उसके बाद में इसका जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे जो स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन, ये आपका 5/9/2022 से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी अपना फर्स्ट काउंसिलिंग में भाग लिए थे, फर्स्ट फेज काउंसिलिंग में, और जिनको फर्स्ट ऑप्शन में जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे वे कॉलेज में नहीं मिल पाया है, तो आप ट्रांसफ़र राउंड में ज़रूर भाग लीजिए। आपको ट्रांसफ़र अगर सीट हो तो आपको मिल जाएगा। तो बस यही इंफॉर्मेशन था आज के लिए। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।